डियर स्टूडेंट्स, मैं राम एपेक्स कोचिंग्स में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम वेन डायग्राम के कुछ बेसिक से और उसके बाद वेन डायग्राम स्टडी कैसे करते हैं, वेन डायग्राम बनाते कैसे हैं एंड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वेन डायग्राम तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, आप सबको भी पता ही होगा, लेकिन हमारा मकसद है कि हम आपको जीरो लेवल से लेकर टॉप लेवल तक लेके जाएं। जैसे कि सबसे पहला ये आपको जो दिया हुआ है, ये एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर सारे के सारे ए हैं और ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसमें सारे बी हैं। तो ये ऑल वाली कंडीशन में आता है। कौन सी कंडीशन में आता है? ऑल वाली कंडीशन में। इसका मतलब है कि ये जो अंदर वाला ए है वो पूरा का पूरा ए जो है वो बी के बीच में, तो सारे ए जो है वो बी है, यानी कि ऑल ए आर बी। लेकिन ये जो बी का भी तो कुछ पार्ट जो है वो ए है, तो यानी कि सम बी आर ए, यानी कि कुछ बी ए है। तो ये ऑल वाली कंडीशन में था। दूसरा हमारा है ये सम वाली कंडीशन में। तो सम वाली कंडीशन में क्या होता है कि कुछ कुछ पार्ट होता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक सर्कल है और एक सर्कल ये रहा, इस वाले सर्कल के अंदर सारे ए हैं और इस वाले सर्कल में सारे बी हैं। तो ये जो ए और बी का सर्कल जो हमारा बना हुआ है, इसमें ये जो कुछ पार्ट जो दोनों का कॉमन है, ये ए का भी कुछ पार्ट है और बी का भी कुछ पार्ट है, तो ये दोनों में कुछ कुछ कॉमन है। तो इसका मतलब है कि कुछ ए बी हैं और कुछ बी ए हैं। तो सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए बी है एंड सम बी आर ए। तो ये सम के लिए था। थर्ड जो हमारा पॉइंट रहेगा वो नो के लिए, यानी कि एक सर्कल ये हो गया इसमें आपके पास जो है वो सारे ए हैं, और एक सर्कल ये हो गया इसमें जो है वो सारे बी हैं। तो ए और बी के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो ना तो कोई ए बी है ना ही कोई बी ए है, यानी कि नो ए इज बी एंड नो बी इज ए। तो ये बहुत ही बेसिक सी आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में बहुत जगह काम आएगी। और जैसे वेन डायग्राम स्टडी कैसे करते हैं, वेन डायग्राम बनाना कैसे है, इसमें हमारे पास में ये तीन चीजें हमें मिलेंगी। एक सबसे पहले आपको मिलेगा ऑल वाला, देन सम वाला, और उसके बाद नो वाला कंडीशन में। तो अभी हम सबसे पहले कर रहे हैं कि वेन डायग्राम स्टडी कैसे करते हैं, तो वेन डायग्राम को पढ़ते कैसे और उसके बेसिस पे जवाब कैसे देंगे। जैसे कि नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है यहां पर, देखिए एक क्वेश्चन है, देखिए हाउ मेनी प्लेयर्स आर नेदर टीचर नॉर सिंगर्स, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो न तो अध्यापक है और न ही गायक है। तो यहां पर आपको जो है एक वेन डायग्राम बना के दिया हुआ, इस वेन डायग्राम को आपको स्टडी करना है। तो इस वेन डायग्राम को हम स्टडी कैसे करेंगे, देखिए वेन डायग्राम को स्टडी कैसे करना है वो आप देखिए यहां पर, और इसके बेसिस पे ये 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं एक वेन डायग्राम पे, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम इस पे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो इस क्वेश्चन में पूछा गया उसका आंसर हम निकालेंगे। जैसे ये जो आपको सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल में जितने भी हैं ये सारे के सारे कौन है, प्लेयर्स हैं। जैसे ये 12 भी प्लेयर्स है, ये 5 भी प्लेयर्स हैं और ये 17 भी प्लेयर्स है, और ये जो बीच में है ये 4 लिखा हुआ है जो आपको शायद नजर आ रहा होगा वैसे, तो ये आपका प्लेयर्स हैं। लेकिन इस ट्रायंगल के अंदर जो हैं वो सारे के सारे कौन हैं, ये सारे हमारे टीचर्स हैं, जैसे कि 5, 10, 9 एंड 4, ये सारे टीचर्स हैं। और इस रेक्टेंगल के अंदर जो हैं वो सारे के सारे हमारे सिंगर्स हैं, जैसे कि 17, 4, 9 एंड 28, ये सारे सिंगर्स हैं। लेकिन हमसे अगर पूछा जाता है कि हमें केवल वो बताने जो सिर्फ सिंगर्स हैं, ओनली सिंगर्स, तो ओनली सिंगर्स में हमारा क्या आएगा, इस जो ये रेक्टेंगल हमारा, इस रेक्टेंगल के अंदर जो है बाकी किसी में कॉमन नहीं होना चाहिए, तो वो कितना है, 28। अगर हमसे पूछा जाता है कि ओनली सिंगर्स तो 28, अगर हमसे पूछा जाता है ओनली टीचर्स कितने, तो ओनली टीचर्स यानी इस ट्रायंगल के अंदर होना चाहिए, बाकी किसी में कॉमन नहीं होना चाहिए, तो वो कितना हमारे पास, 10। अगर हमसे पूछा जाता है ओनली प्लेयर्स कितने हैं, यानी कि इस सर्कल के अंदर जो होंगे वो सारे हैं तो प्लेयर्स, बट जो केवल सर्कल में है वो हमारा होगा ओनली प्लेयर्स। पहला क्वेश्चन कि केवल प्लेयर्स कितने हैं, केवल टीचर्स कितने हैं, केवल सिंगर्स कितने हैं, तो वो आपके जो सिर्फ इसमें कॉमन अलग हो, बाकी किसी में कॉमन ना हो। अगर हमसे पूछा जाता है कि ऐसे कितने प्लेयर्स हैं जो टीचर भी हैं लेकिन सिंगर नहीं है, तो हमें वो प्लेयर और टीचर यानी सर्कल और ट्रायंगल में जो कॉमन होगा
वो हमें बताना है। तो जो सर्कल और ट्रायंगल में जो कॉमन है वो टोटल कितने हैं, 5 लोग, लेकिन सिंगर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये 4 को फिर हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 4 भी ट्रायंगल और सर्कल दोनों में आ रहा है। अगर हमसे पूछा जाता अगला क्वेश्चन, ऐसे कितने टीचर हैं जो सिंगर हैं लेकिन प्लेयर नहीं है, तो यानी कि हमें ट्रायंगल और रेक्टेंगल के अंदर जो कॉमन होगा वो आपको बताना है, तो वो कितना है, 9। तो यहां पर ऐसे टीचर कितने हैं जो सिंगर भी हैं लेकिन प्लेयर नहीं है, तो 9 है। अगर हमसे पूछा जाता है ऐसे कितने सिंगर हैं जो प्लेयर भी हैं लेकिन टीचर नहीं है, तो यानी कि आपका प्लेयर और सिंगर इन दोनों में जो कॉमन हो, यानी रेक्टेंगल और सर्कल में जो कॉमन हो, वो कितना है, 17। तो ये हमारे 17 हो जाएंगे। देखिए यहां पर सिंगल सिंगल पूछ सकता है, तो सिंगल सिंगल में वो होगा जो सिंगल सिंगल में होगा, बाकी किसी में कॉमन नहीं होगा। अगर दो में पूछता है तो आपको दो में देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, इधर दोनों में कॉमन क्या है और यहां पर दोनों में कॉमन क्या है। अगर हमसे पूछा जाता है कि ऐसे कितने प्लेयर्स हैं जो टीचर और सिंगर भी है, यानी कि जो तीनों में कॉमन है, और वो जो तीनों में कॉमन है वो ये रहा आपका, कितना है ये, 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4। लेकिन एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं कि यहां पर पूछा क्या गया है। तो यहां पूछा गया है कि हाउ मेनी प्लेयर्स आर नाइदर टीचर नॉर सिंगर, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो ना तो अध्यापक हैं और ना ही गायक, यानी कि ऐसे हमें ऐसे खिलाड़ी चाहिए, ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो टीचर और सिंगर नहीं होने चाहिए, तो जो सिर्फ प्लेयर्स हों, तो वो कितने हैं, 12। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 12। समझ में आया। इसी के बेस पे एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो वही है कि आप यहां पर स्टडी कीजिए कि इसमें क्या क्या हो सकता है, एजुकेटेड है, एम्प्लॉयड है, रूलर है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो हम बाद में देखते हैं, बट सबसे पहले हम देखते हैं कि जो केवल एजुकेटेड है, ओनली एजुकेटेड, तो हमारा आंसर हो जाएगा 15। अगर हमसे पूछा जाता है कि ओनली एम्प्लॉयड, तो हमारा आंसर हो जाएगा 16। अगर हमसे पूछा जाता है ओनली रूरल, तो हमारा आंसर हो जाएगा 32। लेकिन हमसे पूछा जाता है ओनली एम्प्लॉयड और रूरल, एजुकेटेड नहीं होने चाहिए, तो यानी कि जो इन दोनों में कॉमन होगा वो हमारा आंसर होगा क्या, 9। अगर हमसे पूछा जाता है कि ओनली रूरल और एजुकेटेड, तो यानी कि सिर्फ ट्रायंगल और इस वाले सर्कल में कॉमन होना चाहिए, तो वो कितना है, 24। अगर हमसे पूछा जाता है एजुकेटेड और एम्प्लॉय बट रूरल नहीं होना चाहिए, ओनली अगर लगा देता है, तो बस दोनों में जो कॉमन होगा वही आपका आंसर होगा, और ये हमारा आंसर कितना है यहां पर, 14। अगर ये जो आपको अगर यहां पर नजर नहीं आ रहा है, तो ये मैंने यहां पर आपको अलग से लिखा हुआ है कि यहां पर जो नंबर दे रखा है वो 6 है, जो कि तीनों में कॉमन है। अगर हमसे पूछा जाता है कि ऐसे कितने एजुकेटेड हैं जो एम्प्लॉयड और रूरल तीनों में आता है, तो वो कितने हो जाएंगे, 6 हमारा आंसर हो जाएगा। बट यहां हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी एजुकेटेड पीपल आर एम्प्लॉयड, यानी कि ऐसे कितने एजुकेटेड पीपल हैं जो कि एम्प्लॉयड भी हैं, कार्यकर भी हैं। तो देखिए एजुकेटेड और एम्प्लॉयड दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो एजुकेटेड और एम्प्लॉय में कॉमन कितना है, 14। ये आपका आंसर हो जाएगा 14। लेकिन ये 14 आपका आंसर तब होता है जब आपसे ये बोला जाता है कि ऐसे कितने एजुकेटेड हैं जो एम्प्लॉयड हैं बट रूरल नहीं है, यानी कि जो सिर्फ दोनों में कॉमन है, या तो ओनली लगा देता। लेकिन यहां पर देखिए ये जो 6 जो है ये एजुकेटेड और एम्प्लॉय दोनों में आया हुआ है, बट हमें रूरल के बारे में कुछ भी नहीं बोला कि वो है या नहीं है, बट वो एजुकेटेड और एम्प्लॉयड दोनों हैं, तो यहां पर ये 6 नंबर भी आपका ऐड हो जाएगा। अगर ओनली बोलता है तब इन दोनों का 14 होगा, इन दोनों का 9 होगा, इन दोनों का 24 होगा, बट अगर बोलता है एजुकेटेड एम्प्लॉयड चाहिए, तो एजुकेटेड और एम्प्लॉयड 14 है, बट जो तीनों में कॉमन है वो भी तो एजुकेटेड और एम्प्लॉयड है, तो 6 भी आ जाएगा, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 20। तो ये था आपका कि तो ये था आपका कि आप वेन डायग्राम को कैसे स्टडी करके उसके बेस पे जवाब दे सकते हो। इसके बेस पे 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं, वो 5 से 6 क्वेश्चन सारे मैंने आपको समझा दिए, लेकिन एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो इस पे अब आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाने लगा हुआ है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि वेन डायग्राम बनाते कैसे, उसके बाद फिर हम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे आएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ मैंने नाम लिखे हुए हैं जो लॉजिकल वेन डायग्राम है, ये आपको इनके बेसिस पे सोचना है इनके बारे में कि इनके बीच में क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं, जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि ऑल, सम नॉट, वो सब यहाँ पर आपके काम आएंगे, ठीक है। एंड कोई नहीं है, नो वाला भी आपको यहाँ पर काम आएगा। जैसे यहाँ पर आपको 3 नाम दिए गए हैं, जैसे आपको सबसे पहले दिया हुआ कैट्स, पैट्स एंड डॉग,
यानी कि बिल्ली, कुत्ते और पालतू। तो यहां पर अगर देखा जाए तो बिल्ली और कुत्ते दोनों के दोनों क्या हैं? पालतू हैं। तो हमें जो बड़ा वाला सर्कल होगा ये हो जाएगा पालतू का। अब इसके अंदर एक सर्कल में आपका आ जाएगा कैट्स और एक सर्कल में आ जाएगा डॉग। तो कैट्स और डॉग दोनों के दोनों क्या हैं? पेट्स हैं, बट कैट्स और डॉग में रिलेशन नहीं बनेगा, तो ये आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। जैसे नेक्स्ट देखते हैं, मेल फादर एंड ब्रदर। तो मेल फादर एंड ब्रदर, तो जितने भी ब्रदर हों या फादर हों सारे के सारे मेल हैं। तो ये जो बड़ा वाला सर्कल आपका बनेगा ये बन जाएगा मेल का। अब इसके अंदर ही आएंगे फादर और इसके अंदर ही आएंगे ब्रदर, बट कुछ फादर जो होते हैं वो ब्रदर भी होते हैं, तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशन बनेगा। किस, लेकिन ब्रदर हो या फादर हो सारे के सारे किस में आएंगे? मेल में आएंगे। नेक्स्ट, मेल फादर एंड चिल्ड्रन। तो यहां पर देखिए फादर जो दे रखा है, फिर से हमें फादर दिया हुआ है, तो फादर सारे के सारे क्या होते हैं? मेल। तो ये हमारा कंडीशन हो जाएगा कि ऑल फादर आर मेल, सभी पिता मेल हैं। तो ये आपका फादर हो जाएगा, ये आपका मेल हो जाएगा। बट जो चिल्ड्रन जो हैं, बच्चे जो हैं, तो बच्चों में से क्या होता है, कुछ बच्चे मेल भी होते हैं, कुछ बच्चे फीमेल। तो बच्चों को मेल और फीमेल दोनों में काउंट करते हैं। तो ये कुछ का रिलेशन आपका बनेगा कि कुछ मेल चिल्ड्रन है और कुछ नहीं होंगे। तो ये आपका वेन डायग्राम बन जाएगा, ये आपका चिल्ड्रन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आपको दिया हुआ फीमेल मदर एंड डॉक्टर्स। तो देखिए इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं तो यहां पर थोड़ा सा आपको सोचना। देखिए फीमेल मदर, तो जितनी भी मदर हैं वो सारी की सारी क्या है? फीमेल है। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन आपका बन गया। तो ये इसमें जो छोटा वाला सर्कल बना रहा हूं ये हो गया मदर, और सारी की सारी मदर जो है वो क्या है? फीमेल हो जाएंगी। सारी मदर क्या है? फीमेल हो जाएंगी। बट कुछ मदर और कुछ फीमेल दोनों के दोनों क्या है? डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर मेल्स भी हो सकते हैं। तो ये मदर, फीमेल एंड डॉक्टर, ये आपका वेन डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट, जैसे हमें दे रखा है प्रोफेसर, ऑथर एंड चिल्ड्रन। तो प्रोफेसर, ऑथर, कुछ प्रोफेसर जो होते हैं वो ऑथर भी होते हैं, कुछ ऑथर जो होते हैं वो प्रोफेसर भी होते हैं। लेखक और प्रोफेसर के बीच में क्या रिलेशन बनेगा? सम का, कि कुछ ऑथर प्रोफेसर हैं, कुछ प्रोफेसर ऑथर होते हैं। लेकिन चिल्ड्रन जो है, बच्चे ना तो प्रोफेसर होता है ना ही ऑथर होता है, तो ये आपका अलग से वेन डायग्राम बन जाएगा। नेक्स्ट, जज, थीप एंड क्रिमिनल। तो देखिए जितने भी आपके थीप, जितने भी चोर हैं, वो सारे के सारे हैं तो क्रिमिनल, बट सारे क्रिमिनल थीप नहीं होते ना, क्योंकि क्रिमिनल जो हमारे पास हैं वो तो और भी हो सकते हैं, बट ये जो थीप आपको दिया हुआ है, लेकिन जितने भी चोर हैं ये आपके थीप हो गए। ये सारे के सारे चोर तो क्या हैं? क्रिमिनल है ना, बट कुछ क्रिमिनल थीप होते हैं, कुछ क्रिमिनल अदर भी हो जाएंगे, और जज जो है इन दोनों में से ही बाहर हो जाएगा। तो जज जो है वो ना तो थीप है ना ही क्रिमिनल है। तो आपका जो छोटा वाला सर्कल बनेगा थीप का बनेगा, बड़ा वाला जो है उसमें आपके क्रिमिनल्स हो जाएंगे, और जो सबसे अलग बनेगा वो बनेगा जज का। नेक्स्ट है मैमल्स, काउ एंड क्राउ। कि मैमल्स, काउ एंड क्राउ। तो देखिए मैमल्स जो होते हैं, मैमल्स क्या होते हैं कि ऐसे ऐसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो गाय जो होती है, गाय, सारी की सारी गाय जो है वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो ये आपकी गाय हो जाएंगी, और ये जो है आपके मैमल्स। तो सारी की सारी गाय मैमल्स होती है, सारी की सारी गाय मैमल्स होती है। कुछ मैमल्स गाय भी होती है, कुछ मैमल्स भैंस भी हैं और बकरी भी हैं, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। और क्राउ जो है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, ये मैमल्स में नहीं आता। नेक्स्ट आपका म्यूजिशियन, सिंगर एंड वुमेन। तो देखिए कुछ म्यूजिशियन सिंगर होते हैं, और कुछ वुमेन भी म्यूजिशियन होती हैं, कुछ सिंगर वुमेन भी होती हैं। ठीक है, ये तो देखिए म्यूजिशियन जो होते हैं, कुछ म्यूजिशियन सिंगर हैं, कुछ म्यूजिशियन वुमेन है, कुछ सिंगर म्यूजिशियन है, कुछ सिंगर वुमेन है, एंड कुछ वुमेन सिंगर हैं और कुछ वुमेन म्यूजिशियन है। तो यहां पर क्या, ये सबके बीच में कुछ कुछ का रिलेशन बनेगा। तो कुछ कुछ का रिलेशन जो बनेगा, देखिए म्यूजिशियन एंड सिंगर, अब म्यूजिशियन का वुमेन भी है तो कुछ म्यूजिशियन भी है और कुछ सिंगर भी है, तो ये तीनों का एक साथ जो है ये आपका वेन डायग्राम बनेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस दिए थे एग्जाम से रिलेटेड, और भी आप पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही आसान है वेन डायग्राम बनाना। और अब हम
इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जिसमें से आपके हर के एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं। बैंकिंग में तो इसमें 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट में आपका 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी में 1 क्वेश्चन आता है, रेलवे में आता है, इवन यूपीएससी का हम एग्जाम देते हैं तो उसमें भी 1 क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम इसी में स्टार्ट कर रहे हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन स्लॉक्स का स्टार्ट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ये सिलोजियम जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको हम वेन डायग्राम से भी कर सकते थे, बट इसको हम करेंगे विद 150 रूल। तो देखिए 150 रूल पहले समझते हैं कि 150 रूल है क्या। देखिए वेन डायग्राम से भी बहुत इजी आपको ये लगेगा एक बार अगर आपने प्रैक्टिस कर ली। तो देखिए सिलोक्स जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें सबसे पहली चीज हमें यहां पर देखिए आपको स्टेटमेंट दिए होंगे और उसके बेसिस पे आपको कंक्लूजन दिए होंगे। जो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, स्टेटमेंट आपके पास 2 टाइप की होंगी। एक स्टेटमेंट होगी आपकी डायरेक्ट स्टेटमेंट। अब डायरेक्ट स्टेटमेंट क्या होती है वो देखिए, जैसे कि यहां पर हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। अब अगर आपसे कंक्लूजन में ए और बी के बारे में ही पूछा जाता है या बी और ए के बारे में पूछा जाता है तो ये आपकी डायरेक्ट स्टेटमेंट होगी। जैसे नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास ऑल बी आर सी, यानी कि सभी बी सी हैं। तो अगर हमसे कंक्लूजन में बी और सी के बारे में पूछा जाता है तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, या सी और बी के बारे में पूछा जाता है तो ये भी डायरेक्ट स्टेटमेंट होगी। अब दूसरी जो है वो हमारी इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। इनडायरेक्ट स्टेटमेंट क्या होती है, जैसे कि आपको मान लीजिए ये 2 स्टेटमेंट हमें दे रखी है, अगर ये 2 स्टेटमेंट दे रखी है और हमें ए और सी के बारे में पूछता है तो ना तो हम ए और सी के बारे में यहां से बता सकते हैं ना यहां से बता सकते हैं, हमें इन दोनों स्टेटमेंटों की जरूरत पड़ेगी तभी हम ए और सी के बारे में बता सकते हैं, तो ये हमारी इनडायरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। इनडायरेक्ट देखिए डायरेक्ट स्टेटमेंट यानी कि जिस कंक्लूजन का जवाब हम सिर्फ एक स्टेटमेंट से दे सकते हैं वो हमारी डायरेक्ट स्टेटमेंट होती है, और इनडायरेक्ट स्टेटमेंट यानी कि जिस कंक्लूजन का जवाब हम 2 या 2 से अधिक स्टेटमेंट को मिलाकर देते हैं तो वो हमारी इनडायरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। अब अगर हमें डायरेक्ट स्टेटमेंट में अगर स्टेटमेंट आपको पॉजिटिव दे रखी है तो आपका जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो भी पॉजिटिव ही निकल के आएगा, और अगर आपको स्टेटमेंट नेगेटिव दे रखी है तो कंक्लूजन भी आपका नेगेटिव ही निकल के आएगा, ये ध्यान रखना। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं क्योंकि एक स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। अब इनडायरेक्ट स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं तो वो हम यहां पर अब देखते हैं। ये हमारे कुछ बेसिक से रूल्स हैं, जैसे रूल नंबर 1 आपको दे रखा है, यहां पर अगर हमें 2 या 2 स्टेटमेंट को अगर हम जोड़ के जवाब देना होता है, अगर पहली स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव है दूसरी भी पॉजिटिव है तो कंक्लूजन जो हमारा निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव निकल के आएगा। अगर एक स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है तो आपका जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो नेगेटिव निकल के आएगा, लेकिन अगर हमारे पास दोनों ही स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आपको कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा, नो कंक्लूजन निकलेगा। ये आपका रूल नंबर 1 है। अब रूल नंबर 2 जो है वो देखिए, रूल नंबर 2 यानी कि यहां पर हमें क्या क्या दिया होगा, जैसे ऑल, सम, सम नॉट, नो। ऑल मीन्स 150, यानी कि 1st वाला जो है उसको आपको 100 नंबर देना है, 2nd वाले को 50 देने। सम के अंदर यानी कि कुछ कुछ, तो जहां कुछ कुछ होता है वहां पर 50-50 दोनों का बराबर बराबर हो जाएगा। सम नॉट, ये हमारे 3rd वाले नंबर पे हमने रखा है सम नॉट। सम नॉट यानी कि ये 50 और ये 100, यानी कि पहले वाले पे जो होगा उसको 50 देंगे, दूसरे वाले को 100 देंगे। तीसरा है नो, तो नो का मतलब होता है 100, इसीलिए यहां भी हमने नॉट का मतलब कितना रखा है, 100 रखा हुआ। तो नो का मतलब पहला भी 100 दूसरा भी 100। इनको हम नंबर भी दे सकते हैं ए बी सी डी 1 2 3 4 ए ई आई, जैसे मर्जी आपको जो अच्छा लगे। जैसे मैं यहां पर आपको नंबर दे रहा हूं 1st, ये आपका 2nd है, ये आपका 3rd है, ये आगे आपको बहुत काम आएंगे, तो मैं 1st, 2nd, 3rd और 4th के बेसिस पे बताऊंगा 1st, 2nd, 3rd, 4th को कैसे मिलाते हैं। अभी आपका रूल नंबर 3rd देखिए, यहां पर आपको दे रखा है कि ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ये 2 स्टेटमेंट दे रखी है। जैसे कि मैंने आपको नीचे बताया था अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछेगा तो हम डायरेक्ट उसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन ए और सी के बारे में हमसे रिलेशन पूछेगा तो हमें इन दोनों स्टेटमेंटों को क्या करना होगा, मर्ज करना पड़ेगा। बट मर्ज करने की कंडीशन है, मर्ज करने की कंडीशन ये है कि इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। जैसे यहां दोनों जगह क्या कॉमन है, बी कॉमन है, तो मर्ज तभी होंगे जब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन हो। ऐसा जरूरी नहीं कि ये ऐसे ही कॉमन हो, ये ऐसे भी कॉमन हो सकता है, ये ऐसे भी कॉमन हो सकता है, ये ऐसे भी कॉमन हो सकता है। तो नंबर 1 कंडीशन इसमें है कि दोनों में कुछ ना कुछ नाम कॉमन होना चाहिए, बट जो भी आपका कॉमन है उसमें से एक बी, जैसे यहां पर बी कॉमन है तो एक बी का 100 होना भी कंपलसरी है। अगर ये 100 नहीं होगा तो ये दोनों स्टेटमेंट मर्ज नहीं होंगी।
पहली चीज कुछ कॉमन होना चाहिए, और जो कॉमन है उसमें से एक का सो होना जरूरी है। अगर दोनों सो है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये हंड्रेड और है क्या चीज है, जैसे मैंने आपको यहां ऊपर बताया था ऑल का मतलब क्या है, हंड्रेड एंड फिफ्टी। तो ये जो फर्स्ट वाला जो है इसको आप हंड्रेड देंगे, इसको आप फिफ्टी देंगे, फिर से ऑल है तो ये आपका हंड्रेड है और ये आपका फिफ्टी है। तो देखिए बी यहां पर फिफ्टी है, बी यहां पर हंड्रेड है, तो एक भी हमारा हंड्रेड होना चाहिए था, कोई सा भी हो, तो यहां पर एक भी हमारा हंड्रेड है। तो इससे सिर्फ इतना हमें पता लगा कि ये दोनों स्टेटमेंट हमारी मर्ज हो चुकी हैं। अब ए और सी के बारे में हम जवाब देने के लिए तैयार है। अगर ये दोनों मर्ज नहीं हो पाएंगी तो फिर हम इन दोनों के बारे में जवाब नहीं दे सकते, और अगर हम ए और सी के बारे में जवाब नहीं दे सकते तो वो कंक्लूजन हमारा गलत माना जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से रूल्स हैं, तीन रूल है, सिंपल सिंपल से रूल है आपके। अगर आपको स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरी स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, याद रहेगा ये चीजें। अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव रहेगा, दोनों स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। ध्यान रखना इसमें ऐसा नहीं कि आप एक ही रूल पे आंसर दे सकते हैं, सबसे पहले रूल आपको ये लगाना है, उसके बाद ये लगाना है, उसके बाद ये भी आपको देखना। तो तीनों के तीनों रूल जो आपके तीनों रूलों के बेस पे हम आंसर्स देंगे। अब इसी के बेस पे मैं एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको कंक्लूजन दूंगा, ताकि हम उसमें यह समझ सकें कि कौन सा कंक्लूजन हमारा सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपका रहा, स्टेटमेंट मैंने आप वही उठाई है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, स्टेटमेंट आपकी है ऑल ए आर बी ऑल बी आर सी, जो एग्जाम्पल में नीचे स्टेटमेंट लिखी थी वही स्टेटमेंट मैंने यहां पर ली है। तो यहां पर देखिए ए और बी है, बी और सी है, तो दो स्टेटमेंट है, इसके बेसिस पे आपके कंक्लूजन है। और इस वाले क्वेश्चन में मैंने कंक्लूजन की आपके लिए भरमार करा हुआ है, कम से कम आपको टोटल 15 कंक्लूजन दिए हुए हैं, बस आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा गलत है। ये कोई एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, बट आपको यहां पर यह पता लग जाएगा कि मैक्सिमम कंक्लूजन कितने बन सकते हैं, किस किस टाइप के कंक्लूजन बन सकते हैं और उसको हम कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, जो हमारी स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को हम मानते हैं इनकम, स्टेटमेंट को क्या मानेंगे हम, इनकम आय, और ये जो कंक्लूजन हमारा, इस कंक्लूजन को हम मानते हैं खर्चा एक्सपेंडिचर। तो अब एक बात बताइए, देखिए हम सिर्फ 100 और 50 के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमने पीछे जो रूल्स लिखे हैं उसमें सिर्फ 100 और 50 लिखा है। अगर आपकी इनकम 100 रुपए हो, मान लो आप 100 रुपए कमाते हो, अगर मैं आपसे कहूं कि आप 100 रुपए खर्च कर सकते हो, अगर 100 रुपए कमाते हो तो आप कितने रुपए खर्च कर सकते हो? अगर आपसे कोई कहे कि आप 100 रुपए खर्च कर दीजिए तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर मैं आपसे कहूं कि आपको 50 रुपए खर्च करने हैं, तो आप 100 कमा रहे हैं, 50 आपको खर्च करने के लिए बोला जाए तो आप खर्च कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो वो कंक्लूजन आपका राइट हो जाएगा। 100 खर्च करने के लिए बोला, 100 कमाए, 100 खर्च करने के लिए बोला, कर सकते हैं, 100 कमाए, 50 खर्च करने के लिए बोला, कर सकते हैं, तो आपका आंसर सही होगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपकी इनकम जो है वो सिर्फ 50 रुपए, इनकम कितनी है 50 रुपए, अब अगर आपसे बोला जाए कि आपको 50 रुपए खर्च करने, तो क्या आप 50 रुपए खर्च कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि आपको 100 रुपए खर्च करने, तो क्या आप 100 रुपए खर्च कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो वो कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में हम 100 और 50 लिखेंगे, धीरे धीरे करके 100 और 50 हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि ऑल, ऑल का मतलब अब आप सबको याद हो गया, ऑल मतलब 100 and 50। तो ऑल का मतलब फर्स्ट जो है यहां पर आपको 100 रुपए लिखने हैं, यहां पर आपको 50 रुपए लिखने हैं। फिर से हमें ऑल दे रखा है, तो ऑल का मतलब यहां पर आपको 100 रुपीज लिखने हैं, यहां पर आपको 50 रुपीज लिखने हैं। सेम वही चीज आपको कंक्लूजन में करना है। जैसे सम, सम का मतलब क्या था, कुछ कुछ, तो जब कुछ कुछ होता है तो 50-50 होगा, तो यहां भी 50 रुपए और यहां भी 50 रुपए। फिर से सम, तो यानी फिर से यहां भी 50 रुपए और यहां भी 50 रुपए। अगेन सम, तो अगेन 50 and 50। अगेन सम, तो फिर से हमें 50-50 रुपए खर्च करने। अब यहां पर आपको दे रखा है ऑल, तो ऑल का मतलब क्या है आपको, ऑल मतलब पहले वाला 100, दूसरे वाला 50। इस वाले क्वेश्चन में लिखना है, फिर धीरे धीरे हमने इसको लिखना बंद कर देंगे। अब नो का मतलब आपको क्या बताया था, नो का मतलब था आपका नेगेटिव में। ये देखिए जहां पर नहीं आ जाएगा वो आपका नेगेटिव स्टेटमेंट होगा, नेगेटिव ही कंक्लूजन हो जाएगा। जहां पर आपको यहां पर देखिए पीछे जैसे मैंने दिया था दो स्टेटमेंट, एक ऑल वाली स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव होती है, एक आपकी स्टेटमेंट होती है सम वाली, तो सम वाली जो स्टेटमेंट है वो भी आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी।
एक स्टेटमेंट होती है आपकी सम नोट, तो जहां पर नोट लग जाएगा वो स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, वो कंक्लूजन भी आपका नेगेटिव होगा जहां पर नोट लग जाएगा। नेक्स्ट आपका नो, तो नो आपको जहां भी मिलेगा वो भी आपकी स्टेटमेंट हो या कंक्लूजन हो वो नेगेटिव होंगे। तो यहां पर नो का मतलब क्या था, नेगेटिव तो है लेकिन ये कितने कितने थे, नो पर आपका 100 था, ये भी 100 रुपए और ये भी 100 रुपए। पहले ये 4 से 5 क्वेश्चन करते हैं उसके बाद फिर आगे देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट स्टेटमेंट से है या इनडायरेक्ट स्टेटमेंट से। जैसे हमें दिया ए और बी, तो ए और बी जो है वो हमारे पास डायरेक्ट स्टेटमेंट से, तो डायरेक्ट स्टेटमेंट से तो स्टेटमेंट मर्ज करने की जरूरत नहीं है, और अगर स्टेटमेंट मर्ज करने की जरूरत नहीं है तो हमें पीछे वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा आंसर, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, तो मर्ज करने की जरूरत नहीं, कुछ कॉमन है या नहीं है वो भी नहीं देखना। तो ये स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस मैंने डायरेक्ट स्टेटमेंट से दिए, उसके बाद हमने इनडायरेक्ट स्टेटमेंट रखी हुई है। तो अब देखिएगा डायरेक्ट स्टेटमेंट में क्या है कि जो डायरेक्ट स्टेटमेंट हमारी है, तो यहां पर देखिए ए और बी, और ए और बी के बारे में ही पूछा है, तो ये कंक्लूजन है। ए ने कितने रुपए कमाए, 100 रुपए कमाए, तो ए को खर्च कितने करने, 50 करने। क्या कर सकता है, बिल्कुल, 100 रुपए कमा रहा है, 50 खर्च करने के लिए बोला जाएगा तो बिल्कुल कर सकता है। बी कितने रुपए कमा रहा है, 50 रुपए कमा रहा है, बी को कितने खर्च करने, 50 रुपए खर्च करने। क्या कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, तो कर सकता है, तो ये आपका कंक्लूजन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बी और सी के बारे में दिया हुआ है, तो बी हमारे पास यहाँ है, सी हमारे पास यहाँ है, तो सेम, बी ने कितने रुपए कमाए, 100, खर्च कितने करने, 50, बिल्कुल कर सकता है। सी ने कितने कमाए, 50, खर्च कितने करने, 50, जी बिल्कुल खर्च कर सकता है। नेक्स्ट, फिर बी और ए के बारे में दिया हुआ, तो ए और बी डायरेक्ट स्टेटमेंट है, तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है तो हमें बाकी को सोचने की जरूरत नहीं है, बाकी रूल नहीं लगेंगे, बस हमें 150 के बेस पे आंसर्स देने। तो यहां पर देखिए बी ने कितने रुपए कमाए, 50, 50 खर्च करने, बिल्कुल कर सकता है। ए कितने कमा रहा है, 100, खर्च कितने करने, 50, क्या कर सकता है, जी बिल्कुल कर सकता है, तो कर सकता है, तो ये भी आपका राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए कि यहां पर दे रखा है कि सम सी आर बी, तो सी और बी, तो सी और बी आपका यहीं पे दे रखा है। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट हमारी ऑल वाली है और यहां पर कंक्लूजन सम वाला है, तो देखिए एक 100 रुपए कमाएगा, एक 50 रुपए कमाएगा, और खर्च दोनों को 50-50 करने होते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, तो यहां तो हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ कि ऑल बी आर सी, सभी बी सी हैं, तो बी और सी जो है आपके यहीं पे है, तो बी ने कितने रुपए कमाए, 100 रुपए कमाए, तो 100 रुपए खर्च करने हैं बी को, बिल्कुल कर सकता है। सी को 50 रुपए कमाए, सी को खर्च कितने करने, 50, क्या कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, अगर कर सकता है तो ये भी क्या होगा आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बट ये जो है आपका, ये आपका गलत है, क्योंकि देखिए अगर हम 100 और 50 देख रहे हैं तो 100 और 50 के बेसिस पे तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, बट ये जो आपका कंक्लूजन है, ये देखिए कंक्लूजन नंबर फिफ्थ जो हमारा कंक्लूजन है, ये एज इट इज आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि ऑल बी आर सी, और यहां भी दिया हुआ है ऑल बी आर सी। अगर ये इस कंक्लूजन जो स्टेटमेंट हमारी, अगर वो एज इट इज आपको कंक्लूजन में मिलता है, यानी कि इसको हम बोल देंगे रीस्टेटमेंट, क्या बोल देंगे इसको हम, रीस्टेटमेंट। अगर रीस्टेटमेंट जब भी आपको दिया होगा वो हमेशा गलत माना जाएगा, बिकॉज जो आपकी स्टेटमेंट है वो कंक्लूजन नहीं हो सकती, तो ऑलवेज रॉन्ग होगा। अगर रीस्टेटमेंट आपकी आती है तो उसको हमेशा क्या करेंगे, गलत मानेंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि एज इट इज ऐसे कैसा आ गया वो आपका रीस्टेटमेंट है, तो उसको हमेशा गलत मानेंगे। 150 से तो ठीक दिख रहा है, बट जो कंक्लूजन होता है वही आपकी स्टेटमेंट नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखिए नो, तो एक चीज हम यहां पर ध्यान रख सकते हैं, थोड़ा सा ये शॉर्टकट भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, जब हम 2-4-5 क्वेश्चन कर लेंगे तो हमें बहुत आसानी से याद हो जाएंगे कि ये स्टेटमेंट हमारी जो है ये पॉजिटिव है, ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, पॉजिटिव है, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो आपका कंक्लूजन नेगेटिव तो किसी भी कीमत पे नहीं होगा, तो ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये आपका गलत हो जाएगा। वैसे भी ये डायरेक्ट स्टेटमेंट था ए और बी का, तो ए और बी का जो डायरेक्ट स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव आना चाहिए था, तो ये वैसे ही गलत हो गया, यहां आपको 150 चेक करने की जरूरत नहीं है। बट कई बार क्या होता है कि आप 100 और 50 अगर पहले चेक कर लेते हैं तो वो कई बार सही हो जाता है, बट पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से गलत है, तो गलत ही माना जाएगा, आपके तीनों रूल लगने चाहिए। नेक्स्ट देखिए फिर से दे रखा है सम सी इज नॉट बी, तो सम सी इज नॉट बी, तो सम का मतलब था 50 और नॉट का मतलब था
हंड्रेड, तो ये हो गया आपका 50 100। और सी और बी जो है ये भी हमारी डायरेक्ट स्टेटमेंट है, बट स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव है, कंक्लूजन हमारा नेगेटिव है, तो ये आपका वैसे गलत हो जाएगा, नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं इसको 100 और 50 के हिसाब से देखता हूं, तो देखिए सी ने 50 रुपए कमाई, 50 खर्च करने, क्या कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। बी ने जो आपके 100 रुपए कमाई और खर्च कितने करने, इसको 100 करने, बिल्कुल कर सकता है। तो इसके हिसाब से 150 से देखेंगे तो गलत हो गया, बट स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए, सम बी इज नॉट ए, तो फिर से नेगेटिव हो गया, तो हम वैसे ही गलत कर सकते हैं इसको, नेगेटिव तो हमारा होगा ही नहीं। नेक्स्ट देखिए, ऑल ए आर सी, तो ऑल का मतलब क्या होता है? 100 एंड 50, तो ऑल ए आर सी। तो अब यहां पर देखिए, ए ये रहा, सी ये रहा, तो हमें दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करना पड़ेगा, और दोनों स्टेटमेंट मर्ज तभी होंगी जब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो यहां से सिर्फ इतना लग रहा है, देखिए बी कॉमन है और जो कॉमन है उसका 100 होना भी जरूरी था, तो यहां पर हमारा ये जो बी है ये भी 100 है, तो जो भी आपका कॉमन है उसका 100 होना तो जरूरी है, तो वो 100 है, तो ये मर्ज हो गया। तो मर्ज होने से सिर्फ हमें इतना पता लगा है कि अब हम ए और सी के बारे में जवाब दे सकते हैं। तो देखिए, ए ने 100 रुपए कमाए और सी ने 50 रुपए कमाए, यहां पर ए को खर्च कितने करने हैं? 100 करने, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सी ने 50 कमाए थे, 50 खर्च करने हैं, बिल्कुल कर सकता है, तो ये आपका राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए, सम सी आर ए, तो देखिए ए और सी जो है स्टेटमेंट तो ऊपर मर्ज हो चुकी है, ए 100 रुपए कमा रहे थे, यहां पर इसको 50 खर्च करने, कर सकता है, और यहां पर सॉरी ए जो है वो 50 रुपए खर्च करने, कर सकता है, और सी ने 50 कमाए, 50 खर्च करने, बिल्कुल कर सकता है, तो ये भी राइट हो गया। नेक्स्ट आपका फिर से वो दे रखा है, सम ए आर सी, तो यहां पर ऑल वाला जब सम ठीक है तो सम वाला तो वैसे ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक 100 रुपए कमा रहा है, एक 50 रुपए कमा रहा था, तो एक को आपको 50 खर्च करने है, सम का मतलब इसे भी 50 खर्च करने, इसे भी 50 खर्च करने। ध्यान रखना ये आपकी रीस्टेटमेंट नहीं है, कहीं आप सोचो कि यहां पर ए 100 रुपए कमा रहा ऑल है और सी सम है तो 50 है, तो ये रीस्टेटमेंट हो जाएगा। रीस्टेटमेंट मतलब ये स्टेटमेंट मर्ज करने के बाद बन रहा है, तो ये रीस्टेटमेंट नहीं होती। रीस्टेटमेंट या तो ये एज इट इज आए या ये एज इट इज आए, तो आपकी रीस्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट देखिए, ऑल सी आर ए, तो यहां पर सी को जो है वो 100 रुपए खर्च करने और ए को जो है वो 50 रुपए खर्च करने, ऑल का मतलब तो 150 था, तो यहां पर सी कितने कमा रहा है? 50 रुपए कमा रहा है, क्या 100 रुपए खर्च कर सकता है? जी बिल्कुल नहीं कर सकता, तो बिल्कुल नहीं कर सकता, तो गलत हो गया। नेक्स्ट कंक्लूजन हमारा दे रखा है कि सम ए आर नॉट सी, तो सम का मतलब है ये 50 है और ये नॉट का मतलब 100, तो नॉट का मतलब ये कंक्लूजन हमारा नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव तो हमारे पास स्टेटमेंट तो सारी पॉजिटिव है, तो देखने की जरूरत नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अगला भी हमारा नेगेटिव है तो ये भी गलत हो जाएगा, उससे अगला भी नेगेटिव है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो नेगेटिव वाले तो वैसे ही आपके यहां पर गलत हो गए। तो स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान रखना, हमने 15 कंक्लूजन करे हैं, लेकिन यहां पर कौन सा सही है कौन सा गलत है सिर्फ वो हमने फाइंड करे हैं। इसमें हो सकता है 2-4 कंक्लूजन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आइदर और केस लग रहा होगा, बट आइदर और केस हम तब पढ़ेंगे जब हम आइदर और वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसमें हम आइदर और वाला केस नहीं ढूंढेंगे। इसी के साथ मैं आगे कुछ क्वेश्चंस और आपको देता हूं नेक्स्ट वीडियो में, वो एक बार आप ट्राई कीजिएगा और मैं भी उनको आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी जो हालात हमारे देश के चल रहे हैं, पूरे देश में कोरोना का महामारी फैली हुई है, तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज घर से बाहर मत निकलना, इस देश में बहुत बुरा हाल हो जाएगा अगर हम घर से बाहर निकलेंगे। तो अपने आप को घर में रखिए, जब बहुत जरूरी है तभी घर से बाहर निकलिए, क्योंकि बाहर देखिए आपने इटली, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हर जगह बहुत बुरा हाल है। तो आप प्लीज वो गलती मत कीजिए दूसरों से। देखिए अगर हम गलती करके सीखेंगे तो हमारी जिंदगी बहुत कम पड़ेगी, और अगर हम दूसरों की गलती से सीखते हैं तो हम बहुत जल्दी इस महामारी से उभर पाएंगे। सरकार का साथ दें और हमारे सरकार का समर्थन करें, और घर में बैठे मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा, आप तक पहुंचाता रहूंगा, और आप एपेक्स कोचिंग्स की वीडियो देखते रहिए। अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके जो साथी है वहां तक पहुंचाएं ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके और अपनी पढ़ाई कर सके। धन्यवाद।